ओके okay. तो मैकेनिक्स स्टार्ट कर देते हैं अभी तो मैकेनिक्स जो है बच्चों आपने इलेवेंथ ट्वेल्थ में फ़िज़िक्स केमिस्ट्री सीखा हुआ रहता है मैथ सीखा रहता है या डिप्लोमा जिन्होंने किया है उन्होंने भी किया हुआ रहता है फिज़िक्स केमिस्ट्री तो फिज़िक्स का ही आगे का एक्सटेंशन है ओके okay? तो मैकेनिक्स जो है मैकेनिक्स इसमें भी हम जो सीखने जा रहे हैं वो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स तो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो है ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है ये सब्जेक्ट दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है दो पार्ट्स कौन से है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के दो पार्ट्स कौन से है पहला पार्ट स्टैटिक्स और दूसरा जो है डायनेमिक्स है स्टैटिक्स फर्स्ट पार्ट है दूसरा पार्ट जो है वो है डायनामिक्स तो हमारा जो सिलेबस है वो इन दो पार्ट्स में बटा हुआ है ओके तो स्टैटिक्स में हम क्या सीखते हैं स्टडी ऑफ study and analysis of forces acting on body when body is at rest कोई भी body अगर rest में है तो उसके ऊपर जो force लग रहे है उनका स्टडी उन फोर्सेस के कारण जो कुछ भी होगा उसका एनालिसिस हम स्टैटिक्स इस पार्ट में सीखते हैं फिर डायनेमिक्स डायनेमिक्स जो है स्टैटिक्स और डायनेमिक्स में एक ही फर्क है डायनेमिक्स में बॉडी जो है वो मोशन में होती है और स्टैटिक्स में बॉडी क्या होती है रेस्ट में होती है तो यहां पे दिख देता हूं यहाँ पे स्टैटिक्स में बॉडी इज इन रेस्ट इन डायनामिक्स बॉडी इज इन मोशन डायनेमिक्स के और दो पार्टस रहेंगे उन्हें हम कहते हैं काइनेटिक्स एंड काइनामेटिक्स काइनेटिक्स और काइनामेटिक्स ओके okay. काइनेटिक्स और कानामेटिक्स इन दोनों में बॉडी का मोशन स्टडी होता है लेकिन दोनों में एक मेजर डिफरेंस ऐसा है काइनेटिक्स जो है उसकी स्टडी में बॉडी का मास कंसीडर होता है बॉडी का वेट कंसीडर होता है बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस कंसीडर होते हैं और इन सबके कंसीडरेशन में उसका मोशन का एनालिसिस होता है तीन चीजें बताई मैंने कौन सी मास वेट and forces acting on the body are considered while analyzing motion of a body in kinetics in kinetics in kinetics, in kinetics mass comma weight comma

ये तीन चीजें कंसीडर करी जाएंगी मास वेट एंड फोर्सेस उसके बाद में कानामेटिक्स जो होता है बच्चा इसमें क्या होता है इन काइनामेटिक्स इन काइनामेटिक्स मास वेट फोर्सेस एक्टिंग ऑन बॉडी आर नॉट कंसिडर्ड आर नॉट कंसिडर्ड वाइल बोलो वाइल एनालाइजिंग मोशन ऑफ बॉडी आपने फिजिक्स जब पढ़ा था तो काइनामेटिक्स से रिलेटेड तीन इक्वेशन सीखे थे न्यूटन्स के न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू एस वीज इक्वल टू यू प्लस ए टी तो वो काइनामेटिक के इक्वेशन थे उसमें से किसी भी इक्वेशन में आपको मास दिखेगा नहीं वेट ऑफ बॉडी दिखेगा नहीं फोर्स दिखेगा नहीं क्योंकि वो काइनामेटिक्स के काइनेटिक्स ऐसी ब्रांच है डायनामिक्स की जिसमें मास वेट फोर्सेस ये कंसीडर होंगे ही होंगे अच्छा सर मेरे को याद नहीं रहेगा मास वेट किस में कंसिडर होते हैं किस में नहीं मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ काइनेटिक एनर्जी का, का फॉर्मूला सभी बच्चों को पता है काइनेटिक एनर्जी क्या है हाफ एम वी स्क्वायर काइनेटिक है ना ये काइनेटिक काइनेटिक में मास है ना है हाँ तो ये काइनेटिक्स में मास है ऐसे याद रखो मास है तो वेट है वेट है तो फोर्स भी है काइनामेटिक्स में मास नहीं, नहीं वेट नहीं फोर्स नहीं फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं मैकेनिक्स के दो पार्ट्स स्टैटिक्स डायमिक्स स्टैटिक्स में बॉडी इज इन रेस्ट डायनेमिक्स में बॉडी इज इन मोशन यहाँ पे बॉडी जब रेस्ट में है तो उसके ऊपर लगने वाले फोर्सेस का एनालिसिस हम स्टडी करेंगे इसमें बॉडी जब मोशन में है तब उसका एनालिसिस होगा इसमें मास ऑफ द बॉडी वेट ऑफ द बॉडी फोर्सेस एक्टिंग ऑन द बॉडी कंसिडर होगी और कैनमिटिक्स में वो कंसिडर नहीं होंगे इसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट चीज आ जाती है बच्चों क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटीज क्वांटिटीज जो है दो तरह की है एक है स्केलर क्वांटिटी दूसरी है वेक्टर क्वांटिटी स्केलर क्वांटिटी क्वांटिटीज विच कैन बी डिफाइंड बाय Giving its magnitude alone are called as scalar quantities. Scalar quantities. quantities. Okay. उसके बाद मैं vector quantities क्या होती हैं? मैं इनके भी example दूंगा, इनके भी example दूंगा. Vector quantities क्या होती हैं? Vector quantities, quantities which can be defined can be defined by giving magnitude.

कामदेव होते ना वैसे ये फार्मदेव है फार्मदेव एफ फॉर फोर्स ए फॉर एक्सेलरेशन मोमेंट डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी ओके उसके बाद में स्केलर क्वांटिटीज लर्न करने के लिए ट्रिक दे देता हूँ वी डब्ल्यू कंपनी है कौन सी है वी डब्ल्यू नाम की कंपनी ओक्स वैगन ओक्स वैगन कंपनी में एम बी ए करने के बाद जो लोग काम को लगते हैं वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग कहलाते हैं एम बी ए करने के बाद जो लगता है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग इंजीनियरिंग करने के बाद इंजीनियरिंग ट्रेनिंग मैनेजमेंट ट्रेनिंग को सैप नाम का सॉफ्टवेयर आना चाहिए सैप पता है ना आपको बहुत पैकेज रहता है उसके लिए एम बी वाले लोगों का सॉफ्टवेयर है सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस चलो तो वी फॉर ये वॉल्यूम है वेलोसिटी नहीं डब्ल्यू फॉर वर्कडन एम फॉर मास टी फॉर टाइम टेम्परेचर ऐसी चीजें रहती है एस फॉर स्पीड ए फॉर एरिया पी फॉर पावर अब बच्चे मुझे बहुत बोलते हैं कि सर मेरे को समझ में नहीं आता कि कौन सी स्केलर है कौन सी वेक्टर है तो मैं लॉजिक से समझाता हूँ वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है और स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिसके पास सिर्फ क्या है मैग्नीट्यूड है उसके पास मैग्नीट्यूड है सिर्फ डायरेक्शन नहीं है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल वॉल्यूम वॉल्यूम मैंने एक लीटर दूध लाया आप ऐसे बोलते हो क्या वन लीटर मिल्क डाउनवर्ड्स ऐसे बोलते हैं या वन मीटर मिल्क अपवर्ड वन लीटर मिल्क लेफ्ट लेन लीटर मिल्क टूवर्ड्स राइट ऐसे बोलते हो नहीं वन लीटर मिल्क है, ये कहने के लिए सिर्फ मैग्नीट्यूड दे दिया बस हो गया ना ये, ये। तो लीटर मीटर क्यूब ये इसके ऐसा यूनिट है लीटर या फिर मीटर क्यूब ये वॉल्यूम मेजर करने के सेंटीमीटर क्यूब सीसी यानी सेंटीमीटर क्यूब इंजन का वॉल्यूम कितना है हंड्रेड सीसी की बाइक है मेरी बुलेट थ्री हंड्रेड सीसी की बाइक है सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब वो वॉल्यूम मेजर करने की डिवाइस है ठीक है उसके बाद में वर्क डन वर्क डन मेंशन करने के लिए भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं आई हैव डन टू हंड्रेड जूल्स ऑफ वर्क लेकिन कौन से डायरेक्शन में वो जरूरत नहीं जूल्स नहीं। मास माई मासिस सेवेंटी के जी माई मासिस एटी फाइव के जी ये हो गया मास मास को डायरेक्शन की जरूरत नहीं मार जो है वो स्केलर क्वांटिटी है टाइम थर्टी सेकेंड्स अपन ऐसे बोलते हैं थर्टी लेफ्ट ट्स राइट अपवर्ड डाउनवर्ड टूवर्ड्स नॉर्थ उसको डायरेक्शन की जरूरत नहीं टाइम इन सेकेंड टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन उसको भी डायरेक्शन की जरूरत नहीं इस रूम का टेम्परेचर ट्वेंटी फाइव डिग्री सेल्सियस है बस खत्म काम खत्म डायरेक्शन की जरूरत नहीं स्पीड आई एम ड्राइविंग बाइक विद फोर्टी किलोमीटर पर आवर ये हो गया स्पीड डायरेक्शन में जा रहा हूं देने की जरूरत नहीं।, नहीं अगर मैं बोल रहा हूं आई एम ड्राइविंग बाइक फोर्टी किलोमीटर पर आवर टूवर्ड्स नॉर्थ तो वो स्पीड नहीं कहलाएगा वो कहलाएगी वेलोसिटी वेलोसिटी जो है बच्चा वो वेक्टर क्वांटिटी है और स्पीड जो है वो क्या है स्केलर क्वांटिटी क्योंकि इसके साथ मैग्नेटिक के साथ क्या आ जाता है डायरेक्शन मैंने कहा ना रॉकेट इज मूविंग अपवर्ड्स विद टेन मीटर पर सेकेंड तो अपवर्ड्स क्या हो गया डायरेक्शन 10 मीटर पर सेकेंड क्या हो गया वेलोसिटी तो वेलोसिटी उसमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी है तो वो क्या हो गई कौन सी क्वांटिटी हो गई वेक्टर क्वांटिटी स्पीड कौन सी क्वांटिटी हो गई स्केलर रीजन समझा yes, जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड है वो कौन है स्केलर जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है वो क्या है वैक्टर फिर एरिया ये मीटर पर सेकेंड लिख देता हूँ एरिया मीटर स्क्वायर ठीक है मेरा मेरे मेरा कारपेट एरिया 600 मीटर स्क्वायर या 600 स्क्वायर फुट तो एरिया को डायरेक्शन देने की जरूरत है नहीं तो आ जाएगा वैसे ही पावर पावर का यूनिट क्या होता है वैट होता है या फिर या फिर जूल पर सेकेंड होता है या फिर न्यूटन मीटर पर सेकेंड यूनिट होता है तो इसको मैग्नीट्यूड सफिशेंट है डायरेक्शन देने की जरूरत नहीं फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी क्योंकि हमें बताना पड़ता है applying force 20 Newton in upward direction. Upward क्या हो हो गया direction. Applying 30 Newton force in downward direction. समझ रहे हो? Yes, जैसे फोर्स वेक्टर है उसी तरह वेट बी वेक्टर है बच्चा वेट बी वेक्टर है वेट ऑल्सो इज एन एग्जाम्पल ऑफ वेट किस में मेजर होता है न्यूटन में मेजर होता है वेट न्यूटन में मेजर होता है और मास किस में के जी में बहुत बच्चों का कंफ्यूजन रहता है मेरा वेट एटी के जी मास रहता है के जी वेट नहीं रहता एटी के जी मास रहता है मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको वेट क्या है बेटा मास इनटू ग्रेविटी मास का यूनिट के जी ग्रेविटी का यूनिट क्या है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यू फोर्स क्या है मास इनटू एक्सेलरेशन मास का यूनिट क्या है के जी एक्सेन क्या है मीटर पर सेकेंड फोर्स का यूनिट क्या है फोर्स जो, जो है दोनों का यूनिट क्या है सेम है Same. बहुत बच्चों को बचपन से गलत फहमी होती कि वेट के जी में होता है वेट के जी में होता नहीं क्या के जी में होता है मास मास होता है मास के जी में होता है यूनिट क्या है न्यूटन वेट का यूनिट न्यूटन है इसलिए वेट जो है वो कौन है वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी क्वांटिटी सर वेट अगर vector quantity है तो सच सच बताओ सर वेट का डिरेक्शन क्या है क्या है वेट का डिरेक्शन डाउनवर्ड्स वेरी गुड तो वेट इज अ वेक्टर क्वांटिटी वेट किस में मेजर करेंगे न्यूटन में वेट किस में मेजर करेंगे न्यूटन में और उसका डायरेक्शन क्या है डाउनवर्ड्स एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है तो एक्सेशन वेक्टर क्वांटिटी है जैसे कि ग्रेविटी, ग्रेविटी का डायरेक्शन कहा है डाउनवर्ड्स उसको डायरेक्शन की भी जरूरत है मैग्नीट्यूड की भी जरूरत है 9.81 पॉइंट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वो उसका मैग्नीट्यूड हुआ डाउनवर्ड्स yes. के उसका डायरेक्शन हुआ उसके बाद में मोमेंट मोमेंट इज फोर्स इनटू डिस्टेंस मोमेंट फोर्स इनटू डिस्टेंस है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये डिटेल में मैं समझाऊंगा आगे आने वाले लेक्चर्स में फिलहाल समझ लो उसका यूनिट न्यूटन मीटर है और ये आइदर क्लॉकवाइज होता है या एंटी क्लॉकवाइज होता है डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट मीटर में होगी सेंटीमीटर में होगी एम एम में होगी डिस्प्लेसमेंट अलग है बेटा और डिस्टेंस अलग है अगर मैं डिस्टेंस बोलता हूं तो डी फॉर डिस्टेंस जो है वो स्केलर क्वांटिटी है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी मैं दोनों में फर्क समझाता हूँ फर्क समझाता हूँ डिस्टेंस देखो मान लो ये पॉइंट ए है पॉइंट ए से मैं थ्री किलोमीटर टूवर्ड्स राइट गया फिर डाउनवर्ड्स फाइव किलोमीटर गया फिर नेक्स्ट मैं फिर से टू किलोमीटर टूवर्ड्स राइट गया और नीचे आया फोर किलोमीटर फोर किलोमीटर फिर मैं यहां पे चलते गया चलते गया चलते गया फाइव किलोमीटर देन आई रीच डेस्टिनेशन बी तो कोई अगर मुझे बोलता है व्हाट इज माय डिस्टेंस ट्रेवल्ड तो मैं उसे कहूंगा थ्री प्लस फाइव प्लस टू प्लस फोर प्लस फाइव कितना होता है नाइनटीन किलोमीटर होता है क्या ओके थ्री प्लस फाइव एट एट प्लस टू टेन यस नाइनटीन अगर कोई मुझे बोले व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट तो डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग पॉइंट एंड एंड पॉइंट तो डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा मेरी ए से लेके बी तक का डिस्टेंस देखो ये तीन है ये दो है यानी टोटल पांच है और ये भी कितना है पांच है मतलब पांच में राइट गया पांच में लेफ्ट भी गया तो टोटल नीचे कितना आया देखो फाइव प्लस फोर तो डिस्प्लेसमेंट जो है नाइन किलोमीटर है अच्छा बेटा ऐसा हो सकता है क्या डिस्टेंस है लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं है होता है जैसे कि फॉर एग्जाम्पल देखो बेटा मान लो ए पॉइंट से मैंने जर्नी चालू की है फाइव किलोमीटर मैं यहां पे गया फोर किलोमीटर मैं नीचे गया फाइव किलोमीटर मैं यहां पे गया फिर ऊपर फिर से मैं फोर किलोमीटर गया मेरा स्टार्ट पॉइंट कौन है ए, ए ये और एंड पॉइंट कौन है ए, ए।, ए। तो डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ बेटा डिस्टेंस ट्रैवल फाइव प्लस फोर प्लस फाइव प्लस फोर कितना हुआ एटीन किलोमीटर लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या है डिस्प्लेसमेंट है जीरो किलोमीटर क्योंकि मैंने जहां से जर्नी चालू की थी वहीं पे जाके जर्नी खत्म की इसलिए डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया जीरो डिस्प्लेसमेंट को डायरेक्शन जरूरी है इधर डायरेक्शन क्या है ये पीछे पिछले वाले इसमें डिस्प्लेसमेंट नाइन किलोमीटर डाउनवर्ड्स मतलब ए से बी का है डाउनवर्ड्स तो डिस्प्लेसमेंट को मैग्नीट्यूड भी जरूरी है और डिरेक्शन भी डिस्टेंस कौन सी क्वांटिटी है स्केलर डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी है वेक्टर तो वेलोसिटी वेलोसिटी यूनिट मीटर पर सेकेंड स्पीड और वेलोसिटी में क्या फर्क है वेलोसिटी को डिरेक्शन देना जरूरी है स्पीड को डिरेक्शन देने की कोई जरूरत नहीं स्पीड इज अ स्केलर वेलोसिटी इज वेक्टर